कोहली पे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने कैरियर में भी कि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आते हैं, जब उनका एक डेढ़ साल बुरा जाता है तो राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज उन्होंने जिस तरीके का इनिंग खेली है सारे क्रिटिक्स को उन्होंने जवाब दे दिया है कि कुत्ते भी जो है किंग बन गए, कुत्ते भी शेर बन गए। आज कोहली ने बता दिया भाई साहब, पता चल गया था आज ये बंदा तेज खेलेगा, आज ये बंदा वो करेगा जो उसपे जिसे कहते ना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्रिटिस में हो रहा था स्लो खेल रहा था। विराट कोहली ने शुरू से तेज खेलना शुरू किया और देख ले विराट कोहली को फिर उसने किस तरह से मैच, फादर ऑफ ऑल फेक किंग्स, मतलब उड़ा के रख दिया यार, आज उड़ा के रख दिया विराट कोहली ने। मैं कहता हूँ चुम्मी हो गई विराट कोहली, मतलब क्या बैटिंग की आज विराट कोहली ने। 76 तक ने बोल दिया है कि विराट कोहली इस एज में भी किंग है। 76 ने यह बोला है कि विराट कोहली इस एज में भी, वो जिस एज में भी है इस एज में भी वो सब प्लेयर्स का अब्बू है। और जिस टाइप की आज विराट कोहली ने बैटिंग कर दी है ना, विराट कोहली ने ये सबको बता दिया है कि ये जितने भी शहजाद देखे, नो डाउट, कोई डाउट है ही नहीं विराट कोहली की एबिलिटीज के अंदर, और जो उन्होंने प्रीवियसली परफॉर्मेंसेस दी हुई इंडिया के लिए वो ढकी छुपी नहीं है। अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म ये एक क्लोज टू द प्लेऑफ्स, और एक दफा फिर विराट कोहली ने बताया क्या समझे थे बेटा, हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी क्रिकेट तो वहां से शुरू होती है जहां से क्रिकेट की स्पेलिंग शुरू होती है, एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मुझे इतनी खुशी है कि हमारी स्ट्रीम में लोग आके मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे मैं कोई विराट कोहली का बड़ा भाई हूँ, जैसे मेरे भाई ने सेंचुरी की। लेकिन जब विराट खेलता है तो इसी तरह की फीलिंग आती है, भाई साहब व्हाट अ सिंसिलेटिंग सेंचुरी बाय विराट कोहली, पहला 50-35 बॉलों के अंदर, अगली 25 बॉलों में, अगली में कई दफा कच्चे गोश्त की पैदाइश, हराम खोर ये है विराट कोहली, जो कहते थे खत्म हो गया, छुट्टी हो गई है, टाटा बाय बाय माजरत, कट हो जाते हैं, उसके बाद अब चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो जितने आपके फैब 4 हैं, फैब 5 हैं, जितने आपके प्लेयर्स हैं, अगर आप उनमें देखो वाहिद आपको विराट नजर आते हैं जो सेट होने के बाद एक बीटें कर के भाईजान मैच के लोटे लगवा के साइड पे आ रहा था, क्योंकि विराट कोहली तो टीम के लिए खेलने वाला बंदा है, विराट कोहली तो किंग ऑफ क्रिकेट है। आज विराट कोहली ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो जितने भी ये फेक किंग्स है ना वो सबका पापा है, और उसने ये बता दिया कि T20 क्रिकेट से एवं आपने मुझे साइडलाइन पे कर दिया हुआ था, मैं किंग हूँ तीनों फॉर्मेट का, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है भाई जान, वो 2008 से वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता आ रहा तीनों फॉर्मेट में, और उसके कोई आस पास भी नहीं भटका। विराट कोहली के ऑडिशन की लीग नहीं है ये, जितने बच्चे हैं अगर इनमें से कोई विराट के सामने रन बनाता है तो ये उन बच्चों का ऑडिशन तो हो सकता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए तो भाषा की बात ठीक है, उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनके लिए IPL में कोई स्पार्क है, कोई करिश्मा है। हेलो दोस्तों, देखिए आज CSK और पंजाब के बीच मैच खेला गया दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं कोहली ने पूरा मैच जिता के धर दिया है दोस्तों। इस तरह की पारी कोहली खेलते रहते हैं और ये तो कोहली के लिए बहुत बड़ी आम बात है। और कोहली जो जिस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले मैच में देखा था, पहले मैच में कोहली फ्लॉप हो गए थे पूरी तरीके से, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो दूसरा मैच जो आपके पंजाब के खिलाफ इनकी तो लेनी देनी कर दी और पूरा मैच जिता दिया दोस्तों। इसी को जुझारूपन कहते हैं, इसी को टिकाऊपन कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं जो विराट कोहली ने करके दिखाया। ये जब बंदा भी खड़ा रहता है विकेट पर खड़ा रहा तो मैच तुम्हारा नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, बॉल किसका अंदर कितना भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर विराट खड़ा है तो खड़ा रहेगा दोस्तों। ये हमने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी देखा था, क्योंकि विराट खड़ा था तो वो मैच को निकाल कर ले गया था। वहीं दूसरी तरफ एक फेक बाबर आजम है दोस्तों, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसे खाली पीली का बाबर आजम को किंग बना के बैठ गए हैं। विराट कोहली का दोस्तों दीवाना हो चुका है पूरा पाकिस्तान का मीडिया, और भाई तालियां बज रही है विराट कोहली के लिए कि भाई क्या बंदा यार, इतने मुश्किल मैच को भी निकाल दिया, इसने कितने मैच जिताए होंगे ऐसे पता नहीं है, RCB को और इंडिया को यार बस पूछो मत। इस तरीके का बयानबाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये खिलाड़ी है तो क्या है, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, दोबारा से भाई इनकी लेनी देनी करके रख देगा ये पाकिस्तान वालों की। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या रहा विराट कोहली की पारी के ऊपर। विराट कोहली ने ये प्रूफ कर दिया कि वो जितने भी ये फेक किंग्स है ना वो सबका पापा है, और उसने ये बता दिया T20 क्रिकेट से एवं आपने मुझे साइडलाइन पे कर दिया हुआ था, मैं किंग हूँ तीनों फॉर्मेट का, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है भाई जान, वो 2008 से वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता आ रहा तीनों फॉर्मेट में, और उसके कोई आस पास भी नहीं भटका, कोई भटका तो मुझे बता दो। IPL की बात कर लो, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लो, चाहे जिस मर्जी क्रिकेट की बात कर लो, किंग ऑफ क्रिकेट एक ही, और उसको नाम है विराट कोहली। मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूँ, देख लो भाई जान हर चीज विराट कोहली, किसी की जरूरत नहीं है, किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि इस बाल में ना मैं किसी की तस्वीर लगाऊं। बड़े लड़के परफॉर्म करते हैं, बड़े अच्छी इनिंग आती हैं,
लेकिन विराट कोहली का अपना लेवल है। इधर विराट कोहली था है रहेगा, इधर मेरे दिल में विराट कोहली है था रहेगा, और विराट कोहली की जगह कोई बंदा नहीं ले सकता। विराट कोहली की जगह कोई बंदा नहीं ले। देखें विराट कोहली ने अपनी फैन फॉलोइंग अपनी परफॉर्मेंस से बनाई है। बाबर आजम, ये जो घंटे बाबर आजम के फैंस हैं, मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ किधर है बाबर आजम घंटे का फैंस, क्योंकि आपका घंटा जब रन करता है ना तब टीम हारती है, और हमारा किंग्स जब रन करता है ना विराट कोहली तब टीम जीतती है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो बाबर आजम का फैन होना चाहिए, मैं तो विराट कोहली का फैन हूँ। क्यों? विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट है। ये नहीं कि अगर कोई इंडियन है जस्ट वही विराट कोहली का फैन, नहीं, विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट है। उसने आज ये बता दिया कि वो, मैं कहता हूँ भुवनेश्वर कुमार का कैरियर खत्म किया आज, भुवनेश्वर कुमार का आज कैरियर खत्म कर दिया विराट कोहली ने। जो भुवनेश्वर कुमार को दोता लगाया ना विराट कोहली ने, मतलब भुवी का कैरियर आज फिनिश हो गया मेरी नजर में। क्योंकि जितनी मार पड़ गई है ना उसे विराट कोहली के हाथों, वो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दोबारा नजर आएगा। और विराट कोहली ने ये बता दिया है कि T20 क्रिकेट से हमें ही मुझे आउट किया हुआ है आप लोगों ने, विराट कोहली को T20 क्रिकेट से आउट किया हुआ है लोगों ने, कि जी ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये बीट्स घंटे के 103 मीटर का कभी सोचा भी है? आप भी देखा कि जी घंटे ने कि वो 103, अबे कितना यूं कर रहे थे सब, जितनी भी लोग वहां है वे यूं कर रहे थे विराट को। दीदी मैं ये कह रहा हूं क्रिकेट के रियल पापा आप ही हो, बाकी तो सब दुकाने फाड़ी है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो शॉट विराट ने मारा है उसको देख के लग रहा है छक्का होगा, वो भी 103 मीटर का। अबे इतना आसानी से तो कोई ड्राइव नहीं खेलता, कितनी आसानी से उसने छक्का फेंक दिया। बिल्कुल भाई यही बात, मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ आज विराट कोहली ने, आज डुप्लेसी ने तीसरी मरतबा ये काम उतारा है जब उन्होंने 750 रन की पार्टनरशिप लगाई है, मगर आज विराट और डुप्लेसी ने उन तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज 50 डुप्लेसी मार चुका है। रिस्पेक्ट आपने किसी से खरीदी नहीं है, ये फॉलोइंग आपने किसी से खरीदी नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी जिसको विराट कोहली इंतहाई बुरा लगता था जब विराट कोहली हमारे खिलाफ रन मारता था, लेकिन जब उसने विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के आंखों के अंदर डाल के उनके पीक मिचेल जॉनसन को जब वो कवर ड्राइव्स, वो शॉर्ट आर्म जैब्स, वो पुल्स मारते हुए देखा उस, और उसके बाद लेग फ्लिक्स, उसके बाद बोला कि नहीं भाई साहब ये आदमी डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, तुम बिला वजह में से जेलस होते हो। उस आदमी को भी 9 साल पहले एहसास हुआ कि नहीं भाई साहब वाकई ये एक किंग इन द मेकिंग है, और उसने मल्टीपल टाइम्स पे बताया। मैं 10 दफा ये स्टोरी अपनी बता चुका हूं कि आज लोग मुझे विराट कोहली का एक डाई हार्ड फैन समझते हैं कि यहाँ स्ट्रीम शुरू नहीं हुई उससे पहले 300 बंदा इंतजार कर रहा था, सब मुझे मुबारकबादें दे रहे थे जैसे मैं विराट कोहली का बड़ा भाई हूँ। ये चीज अर्न की है, क्योंकि ये चीज मैंने उस चीज से सीख के अर्न की के नहीं भाई साहब दिस स्पेसिफिक मैन डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट बिकॉज ही प्लेज विद दैट ग्रिट, ही प्लेज विद दैट इंस्पिरेशन, ही प्लेज विद दैट एटीट्यूड एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन ईच एंड। दोस्तों जैसे कि देखा क्या विराट की चारों तरफ विराट 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 की चर्चा चल रही थी। दोस्तों विराट कोहली ने कर ही कुछ ऐसा दिया। दोस्तों ये मैच बनता ही नहीं था कहीं से भी, एक टेंपर लगने लगा था कि भाई मैच निकलता जा रहा है, लेकिन भाई पंजाब वाले सोच रहे थे कि भाई जब तक ये विराट खड़ा है ना जब तक कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक ये विराट खड़ा है, जब तक इस विराट को आउट नहीं करोगे भाई कहीं के नहीं रहोगे तुम। लेकिन दोस्तों ये विराट कोहली असली किंग बन चुका है, दुनिया का किंग है विराट कोहली, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कोई भी मैच हो विराट कोहली खड़ा हो भाई टीमें बिल्कुल चुपचाप खामोश हो जाती हैं, क्योंकि विराट एक ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी हद से मैच निकाल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।